हेलो दोस्तों, पोकेमोन के 25 सीजन्स देखने के बाद मेरे को लगता है सीजन 17, 18 और 19 सही मायने में बेस्ट है। तुम्हें क्या लगता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन नहीं होता तो पूरा वीडियो देख लो, तब समझ में आएगा। और अभी तक हमारे जो इंडियन फैंस इन सीजन्स को नहीं देख पाए हैं, हिंदी में देखना चाहते हैं, तो वेट क्या कर रहे हो यार, जाओ यूट्यूब पर और टीवी पर सुपर हंगामा पर आ रहा है हिंदी में, और बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो तब तक के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट कवर करूंगा, जिनमें से शायद आपको कुछ पॉइंट आते होंगे। अपने आप को टेस्ट करने के लिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, पोकेमोन XY का एनिमेशन और आर्ट स्टाइल। एनिमेशन तो तुम समझ रहे हो, लेकिन आर्ट स्टाइल सुनकर तुम्हारे शक्ल की कुछ ऐसी हालत होती होगी। चिंता मत करो, मैं बताता हूँ, तुरंत समझ जाओगे। आर्ट स्टाइल का मतलब पोकेमोन्स के कैरेक्टर्स और डिजाइन से होता है। अब तुम ऐश के ही दो आर्ट स्टाइल को ले लो, पहला वाला तो बढ़िया है, दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? तो पोकेमोन के इन सीजन्स में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर्स की आर्ट स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शक्ल, बहुत अच्छी हो गई थी। एनिमेशंस की क्वालिटी सीजन 17 से लेकर 18 तक जाते जाते बिल्कुल इम्प्रूव होती जा रही थी, इसलिए हम जैसे फैंस इसके पीछे पता नहीं कहाँ के पागल हो गए थे। अब कुछ लोगों को सीनो का एनिमेशन और आर्ट स्टाइल पसंद आया होगा, कुछ को यूनोवा का पसंद आया होगा, तो मैं कहूँगा चुपचाप से मेरी बात मान लो। दूसरा नंबर पॉइंट देखो, कैलोस वाले ऐश में समझदारी और मैच्योरिटी थी, राइट? हर एक एपिसोड में ऐश हीरो लगता था, एंड इसलिए उसके कंपेनियंस एंड राइवल्स लाइक क्लेमेंट, सरीना एंड सॉयर अट्रैक्ट हो गए थे। यूनोवा वाला ऐश तो तुम्हें याद ही होगा, इतना नल्ला था वो कि चार चार रीजन्स का सफर करने के बाद भी पोकेमोन को कैसे पकड़ते हैं वो भूल गया, लिटरली भूल गया। अपना ऐश पोकेमोन को पोकेबॉल फेंक के ही पकड़ लेगा, राइट? देखो गाइज, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, हर कोई जी फॉर गो नहीं होता, कुछ जी फॉर गधे भी होते हैं। एंड कालोस वाले ऐश में तुम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि वो दूसरों को मोटिवेट किया करता था, एंड इसलिए सेरेना को उस पर क्रश आ गया था। खैर, इस पर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, मेरे को लगता है ये सबका फेवरेट पॉइंट होगा, राइट? अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ, सरीना लव्स ऐश। ऐश की वाइफू यानी हमारी सरीना भाभी को ऐश पर दिल आ गया, आए भी क्यों ना, अपना ऐश इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रेव ट्रेनर जो था, ऐश ने सरीना को इंस्पायर किया था, राइट? कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि सरीना और ऐश के बीच एक अच्छा ऐसा बॉन्ड था। बट तुम तो जानते हो ऐश को, भाई अपना शख्स लौंडा है, एंड जैसा कि तुम सब जानते हो कि स्टार्टिंग में ऐश सरीना की फीलिंग्स को अनदेखा किया जा रहा था, वही कोई समझे या ना समझे बॉनी सब समझ रही थी। लास्ट में जाके ऐश के आंखों में सरीना के लिए फीलिंग्स दिखी। अब छोड़ो चाहे कुछ भी, हमारे लिए ऐश सरीना कपल है, राइट? एंड होप कि पोकेमोन के क्रिएटर्स इस बात को समझें। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी वरना। सो इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4th, ऐश हैड ए ग्रेट पोकेमोन टीम। तुम लोगों को पता है कि ऐश की टीम में एक से एक, मतलब टोटल 5 पोकेमोन थे पिकाचू को छोड़ के, और ये 5ों पोकेमोन फुली इवॉल्व थे। हाउलूजा को भी तुम लोग ऐसे ही समझो, बेचारे के पास कोई एवोल्यूशन ही नहीं है। एंड मुझे लगता है ग्रेनिंजा के बाद हाउलूजा ही ऐसा पोकेमोन था जो मैच्योर था। पॉइंट नंबर 5th, ऐश हैड पावरफुल पोकेमोन ग्रेनिंजा, या मैं कहूँ ऐश ग्रेनिंजा। ऐश का ग्रेनिंजा काफी यूनिक पोकेमोन था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता था। तुम लोग सब जानते होगे बॉन्ड इवॉल्व के बारे में, एंड तुम लोग ये भी जानते होगे कि ऐश और ग्रेनिंजा जब जाने अनजाने में बॉन्ड इवॉल्व हो जाते थे तो क्या ही फीलिंग आती थी। भले ही ऐश ने उसे रिलीज कर दिया, फिर भी ग्रेनिंजा फ्यूचर में जरूर रिटर्न होगा क्योंकि ऑडियंस चाहती है। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रॉन्ग एविल टीम। हाँ, मैं टीम फ्लेयर की बात कर रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि हर एक रीजन में एक या दो से ज्यादा एविल टीम होती है, लाइक हुएन में टीम एक्वा एंड टीम मैग्मा, सिनो में टीम गैलेक्टिक, एंड उसी तरह कैलोस में टीम फ्लेयर। टीम फ्लेयर कैलोस रीजन पर अपना कब्जा करना चाहती थी, एंड इसलिए उन्होंने ज़ाइगार्ड की पावर का बुरे काम के लिए यूज करना चाहा। बट जब तक अपना ऐश जिंदा है वो कैसे कर सकते थे। मैं कैलोस के सभी टीम लीडर्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी ऐश की मदद की थी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तुम लोग मेगा एवोल्यूशन को तो जानते ही हो, ये कैलोस रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड कैलोस से पहले न यूनोवा, न सिनो एंड न हुएन में ऐसी कोई स्पेसिफिक फॉर्म या एबिलिटी दिखाई गई। अलोला में तो जी मूव था और ग्लार में जायजेंटमैक्स एंड डायनामैक्स, बट स्टिल इसकी शुरुआत तो कैलोस रीजन से ही हुई।
पॉइंट नंबर 8, चलो हिंदी में ही बोल देता हूँ। अपना ऐश पहली बार लीग में टॉप 2 में गया था, या मैं कहूँ फाइनल्स में गया था, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे पहले ऐश कभी टॉप 2 में आया ही नहीं था, बस सीनों में टॉप 4 में आया था। अब देखो, एक मेरा थॉट है कि ऐश कैलोस लीग जीत सकता था अगर वो अपनी फिजिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करता, क्योंकि बॉन्ड इवॉल्व की एक प्रॉपर्टी है कि तुम्हारा पोकेमोन जितनी मार सहता है तुम्हें भी उतनी ही मार सहनी है। बट ऐश ने इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। ऐश वर्सेस अलान के मैच ग्रेनिंजा से पहले ऐश ही गिर गया था, तो ग्रेनिंजा कैसे टिक सकता था। बस ऐश में मुझे यही एक कमी लगी, बाकी ऐश ने अपना बेस्ट दिया था। पॉइंट नंबर 9, ऐश हैड स्वीट कंपेनियंस। ऐश के कैलोस में जो दोस्त थे लाइक क्लेमेंट, सेरेना एंड बॉनी, ये सभी ऐश के साथ काफी फ्रेंडली रहते थे। ऐश को कोई भी टॉन्ट नहीं करता था, लाइक कैंटो और यूनोवा में मिस्टी और आयरिस दोनों मिलके ऐश को ताना देती थी। मतलब माना कि बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, पोकेमोन को पकड़ने के लिए उसके साथ बैटल करनी पड़ती है, ये उसे नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसे हौसला देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने पूरी जर्नी भर उसे छोटा बच्चा कहकर टॉन्ट किया। सेरेना को ही देख लो, ऐश को इंस्पायर करती थी, तो इसी वजह से कैलोस की टीम बेस्ट टीम थी। पॉइंट नंबर 10 और सबसे आखिरी पॉइंट, कैलोस ऐश हैज मैक्सिमम विन रेट। भाई कैलोस का ऐश बहुत कम हारता था, लाइक वो वियोला और स्नोबेल के जिम लीडर से फर्स्ट अटेम्प्ट में हारा था एंड एलान से हारा था। बाकी ज्यादातर पोकेमोन बैटल्स में ऐश जीता ही था। That's why we like this Ash. So, ये 10 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आया है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे।